उपदेश हो अशक्य यो।
लोक के शुत केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत के शुद्ध नय भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय हो यह। अज्ञानी तब तक वो रहे।
सचेत अगर अचेत वे। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों के जय जनन। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमोलोये सर्व साहूरम अरिहंत सिद्ध सूर उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर 25 इस विषय का संध्या काल में हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। कवि रत्नाकर विरचित इस 25 पदों की एक छोटी सी लघु कृति जिसका अपर नाम हम कहें तो अपराध क्षमा स्तोत्र के रूप में भी है। अनादि काल से जीव अज्ञानता के कारण अपने स्वरूप से अनभिज्ञ है और स्वरूप परिचय से अनभिज्ञ होने के कारण प्रतिमा जी आवाज आती है गीता की आवाज पहुंचती है आवाज दीपक राज जी साहब सिंगोड़ी आ रही है ठीक है। रत्नाकर कवि की इस रत्नाकर 25 जिसका अपर नाम हम अपराध क्षमा स्तोत्र के नाम से जानते हैं इसके चर्चा के अंतर्गत अभी कवि अपने मनोगत भावनाओं को व्यक्त करते हुए वीतरागी भगवंत के समक्ष अपने हृदय की स्पष्टता रखते हैं। वास्तव में अपनी भूल अपने ज्ञान में आने पर और वीतरागी भगवंतों के प्रति बहुमान का परिणाम होने पर अंतर से ऐसा पुरुषार्थ जगता है कि
यह जीव अपनी भूल ज्ञान में आने पर उससे स्वयं ही पुरुषार्थ करके हट जाता है, और जब तक भूल को ही अपना स्वरूप मान के बैठेगा, भूल को ही प्रशंसनीय कार्य मान के बैठेगा, तब तक कभी उससे हटने का भाव नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर जो अपना पांचवें नंबर का हम पद्य पढ़ रहे थे, उस पद्य उस गाथा के आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार पहले उसको पढ़ेंगे क्योंकि कल उस विषय पे हमने विराम लिया हुआ था, इसलिए उसको एक बार पुनः पढ़ते हैं। मैं चारों कषायों से ग्रसित एवं आराधना रहित हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं यानी रत्नाकर कवि कह रहे हैं, मैं चारों कषायों से ग्रसित एवं आराधना रहित हूँ, ऐसा विषय पे विचार करते हुए और फिर उसके बाद उन्होंने अपना भाव इस श्लोक के रूप में रखा। दग्धो दिदग्ना क्रोधमयेन दष्टो दुष्टेन लोभाख्य महोरगेन ग्रस्तो भिमाना जगरेण माया जालेन वृद्धश्च कथम भजे त्वाम। दग्धो अग्निम क्रोधमयेन दृष्टो, हे प्रभु मैं क्रोध रूपी अग्नि से जला हुआ हूँ, और लोभाख्येन दुष्टेन महोरगेण, इन्हें लोभ नामक दुष्ट महासर्प ने मुझे डसा हुआ है। क्या कह रहे हैं कि मैं क्रोध की अग्नि से एक तो जला हुआ हूँ और लोभ के सर्प के द्वारा ग्रसा गया हूँ। कषाय शब्द की कल चर्चा कर रहे थे, कषाय कहते ही उसे हैं जो आत्मा को कषे और दुख दे, उसे कषाय कहा गया। वास्तव में कभी भी क्रोध है या कषाय का जो स्वरूप है, हमें लगता है हम अन्य के प्रति करते हैं, लेकिन होता ही नहीं अन्य के प्रति। जब भी परिणाम विकृत होगा वो तत्संबंधी बंध आत्मा को ही होता है, और आत्मा ही उस बंध का करता है, और आत्मा ही उदय आने पर उसको भोगता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि मैं क्रोध रूपी अग्नि में स्वयं जला। किसने जलाया है? स्वयं जला। जैसे हम विचार करें, अभी हमें तत्काल में तो ऐसा लगेगा कि अभी कौन सा क्रोध है इस समय, अभी तो कोई क्रोध नहीं है। हाँ पवन जी आवाज पहुंच रही है? पवन जी कोटा आवाज आ रही है? हाँ क्या है, यहाँ नेटवर्क थोड़ा जब भी डिस्टर्ब होता है तो मुझे ये पता नहीं लग पाता कि आपके मुंह तक आवाज पहुंच रही है। तो मैं स्वयं अग्नि में जला हुआ हूं, ऐसा मेरे ज्ञान में स्वयं ही भाषित होता है। कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति ये कहता है ना मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उसे उस समय उसके परिणामों में अशांति का वेदन तुरंत चालू हो जाता है। हाँ शरीर की आकृति तो बदल ही जाती है, पर परिणामों का भी जो कष्ट है वो स्वयं अनुभव में आने लगता, शांतता नहीं बचती है, अग्नि में दग्ध प्राणी की तरह दुखित होने लगता है। ऐसा परिणाम होता है कि उसका बुरा कर दूं, जिसे अपना हितकर मान रहा है, जो अनुकूल परिणामन नहीं कर रहा उसका बुरा कर दूं। ये परिणाम जब जीव को उत्पन्न होते हैं तो उसी समय स्वयं ही अपनी ही शोक की अग्नि में, द्वेष की अग्नि में, कषाय की अग्नि में जलने का वेदन करने लगता है। काय का करता है? जलने का वेदन, क्योंकि कषाय का काम ही होता है, कषाय किसी का भला बुरा कर पाए ना कर पाए, लेकिन जीव को उसी समय उसका वेदन अवश्य होगा। ये कष्ट कर परिणाम है। क्या कह रहे हैं आप? विचार करके देखना कि क्रोध के वेग के काल में हमारे जो परिणाम है वह स्थिर नहीं रहते, शांत नहीं रहते, धारावाही रूप में उसमें आवेश की उग्रता बढ़ने और घटने का क्रम चलता रहता है। हाँ जी दीपक जी आवाज पहुंच रही है? आ रही है जी, क्योंकि यहाँ नेटवर्क लैपटॉप में नहीं है प्रॉपरली, इसलिए मुझे थोड़ा आपसे बार बार स्पष्ट करना पड़ रहा है ना। यदि ना आए तो आप मैसेज कर दीजिएगा ताकि मुझे सूचना मिले, तो फिर मैं मोबाइल से कनेक्ट करूंगा। हाँ तो देखिए लिख रहा है, मैं क्रोध रूपी अग्नि से दग्ध हूँ, अग्नि से जला हूँ, और लोभ नामक दुष्ट महासर्प ने डसा लिया है, डस गया हूँ, डसा गया हूँ, लोभ से डसा गया हूँ। क्या कह रहे हैं? सर्प मुझे डसता है कि लोभ ही मुझे डस लेता है? देखो सर्प के डसने से तो यह होगा, जहरीला सर्प होगा तो एक भाव का खतरा है, परंतु लोभ का जो परिणाम है ना, कहाँ तक जाती है लोभ? लोभ कषाय कहाँ तक जाती? दसवें गुण स्थान तक कहा है लोभ। क्या कह रहे हैं? दसवें गुण स्थान तक लोभ कषाय का सद्भाव।
तो ये जो जीव है, यद्यपि वहां दसवें गुण स्थान तक ऐसा लोभ नहीं जैसे कि अज्ञानी को विषय संबंधी लोभ होता, क्या कह रहे, लेकिन फिर भी अभिप्राय जनित लोभ कषाय उतने आगे अवस्था तक जा रही है। तो अभी प्रारंभिक भूमिका में इसका स्तर कितना पतित हो सकता होगा, अपन कल्पना करें तो हमें विचार आएगा कि हमें अपने आप पर ही कहना चाहिए विकल्प उत्पन्न होगा कि कैसी परिणति हो रही। आप कल्पना तो करके देखो, भले हम इसको चारित्र मोहिनी के विषय में रखते हैं, लेकिन फिर भी आप विचार करके देखो, हम कहीं बाजार में कोई चीज लेने गए तो खरीदने जाएंगे तो ऐसा विचार करेंगे मिल जाए होलसेल रेट पे, कोई ऐसी दुकान से मिल जाए जहां पर कम कीमत में वस्तु प्राप्त हो जाए। लेने जाएंगे तो चाहेंगे होलसेल रेट में, और बेचने जाएंगे तो चाहेंगे रिटेल रेट में बिके, अपनी अपनी वस्तु तो ऊंचे दाम पे बिके, और हमें मिल जाए कैसे, कम से कम दामों पे। दोनों ही परिणाम में लोभ कषाय चल रही है, किसमें, वहां पर कम में प्राप्ति का लोभ और यहाँ अधिक अधिक मूल्य में बेचने का लोभ, ऐसे ही ना, हाँ, अधिक में बेचने का लोभ और कम में प्राप्ति करने का लोभ, ये परिणाम जीव का निरंतर ऐसे चलता। ये तो एक उदाहरण दृष्टांत में लेना, ऐसा हर जगह लगा करके देखना कितना लोभ है, पांच इंद्रिय के विषयों का विस्तार विकल्प कितना है, कोई पदार्थ दिखा नहीं, हमारा प्रयोजन था या नहीं था तो भी उपयोग उस पर चला जाता है, मन में विचार आता है चलो कभी तो काम आएगा। मैंने एक बार ऐसा सुना था, ये देश में, देश मतलब हम व्यक्ति के मनोवृत्ति की बात करें, कोई भारत देश अकेले की बात नहीं है, लोभ कषाय से ग्रसित आदमी को यदि जहर भी बटता हुआ मिल जाए तो वो लेने को तैयार, क्या कह रहे हैं, मुफ्त में अगर मिलना चाहिए, मुफ्त में मिले तो जहर भी लेने तैयार है, क्यों, ये भैया रह के रख लो, मुफ्त में मिल रहा है, कभी काम पड़ गया तो अपने पैसे तो बचेंगे, हैं, अपने तो नहीं लगेगा ना, ऐसा विचार करके मुफ्त में जहर लेने को भी तैयार हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं ऐसे तो ऐसा लगेगा कौन होगा ऐसा मूर्ख जो जहर लेना चाहेगा, पर मैं आपसे कहूं अगर हमें अपनी कीमत नहीं मालूम उस वर्तमान पर्याय की, तो जो विषय भोग हैं हमको वो मुफ्त में मिलते हैं कि मूल्य अदा करके मिलते हैं, मिलते तो बहुत कीमत दे करके हैं पर हमको लगता है मुफ्त में मिला। आपको पता है व्यापारी क्या मनोवृत्ति का प्रयोग करता है, 100 ग्राम की जो वस्तु थी उसका उसको तो पहले कर दिया 70 ग्राम और फिर उसके बाद उसमें फिर लिख दिया 30 ग्राम अतिरिक्त फ्री, क्या कह रहे हैं, 30 ग्राम फ्री, इस ऑफर में 30 ग्राम फ्री और 2-4 रुपए कीमत और बढ़ाई दिया, गजब की बात है, वस्तु तो उतनी थी। कभी देखा एक पे एक फ्री वाला ऑफर क्या होता है, एक पे एक फ्री किसको कहते हैं, एक लो एक फ्री पाओ, पर कभी विचार करके देखा कि उसमें कीमत एक की रखी है कि दो की डली है, ये कीमत है 2 की और कहा जाता है एक पे एक फ्री, तो इसको लगता है एक फ्री मिल रहा चलो ले लो। मैंने बताया ना शॉपिंग मॉल में कभी कोई लिस्ट लेकर के नहीं जाता और ये सोच के भी नहीं जाता कि मुझे क्या खरीदना है, लेकिन जब ले लेता है तो पता ही नहीं चलता, संग्रह करता जाता है, इकट्ठा होता होता मतलब बकेट भर जाए उसकी, इतना इकट्ठा करे और बाद में फिर क्या कहते हैं बिलिंग का समय है, अरे पता ही नहीं चला इतना बड़ा बिल बन गया, इतना सारा सामान हो गया, क्योंकि लोभ के वशीभूत जीव की ऐसी ही दशा होती। अब आप समझ लेना जितनी मान कषाय है उन सब में लोभ भी गर्भित है, जितनी क्रोध है उसमें लोभ गर्भित है, कषाय कभी भी एक नहीं होती, चारों कषाय एक साथ ही होती, धन का लोभ, मान का लोभ, रूप का लोभ, जिसको अपन ने ऐसा कहा ना मद, वह सब लोभ में गर्भित है, सुंदर बनने का लोभ है, धन वैभव मुझे प्राप्त हो जाए इस वस्तु का लोभ, कितने प्रकार के, 8 प्रकार के मद हैं, पिता भूपमा मातुल नपजो होए न सो मद ठाने, तो 8 प्रकार के मदों में आप लोभ को लगा करके देख लो, हर जगह ये विचार चलता है मेरी सत्ता कैसे कायम रहे। गजब की बात है धर्म क्षेत्र में भी वही परिणति चलती, कैसी परिणति चलती, मुझे सब जाने, मेरी सब सुने, मेरा प्रभाव रहे, मेरा वर्चस्व रहे, हाँ, कि मैं यदि किसी सद्य पद पे हूं तो ये सत्ता बनी रहे, मेरे अधीनस्थ सब रहे, मेरा अधिकार चले। गजब की बात है धर्म क्षेत्र में भी
कर्ता बुद्धि रंज मात्र कम नहीं होती, ये भी लोभ कषाय के कारण। लोभ को पाप का बाप कहा है, हाँ, लोभ को पाप का बाप कहा है। ये लोभ का जो विकल्प है बहुत खतरनाक का, हाँ, प्रसिद्धि का जो लोभ है ये जीव को आत्मा से दूर ले जाता है। अपने जीवन में कहीं कोई एक थोड़ी सी लौकिक प्रतिभा दिख जाए और कोई प्रशंसा कर दे, ऐसा लगता है जीवन की सफलता बस अब इसी काम में है, इसी कार्य में हम आगे बढ़ जाए। किसी ने कह दिया कि आपका स्वर तो अच्छा है दिनेश जी, आप गा तो अच्छा लेते हो, तो फिर मन में क्या विचार आएगा कि गा अच्छा लेते हैं, ये प्रतिभा तो मुझे पता ही नहीं थी, मैंने तो इस पे फोकस ही नहीं किया था। हाँ, इनने कहा है, अब जीवन को थोड़ा इसके लिए लगा लेना चाहिए। समझ में आया? एक स्वर के ऊपर पे झुक गया, इतना ही नहीं झुक गया, निदान बंद करके हो सकता है त्रियंश आदि गति का बंद कर ले तो कोयल आदि की पर्याय में चले जाए। चाहता था ना स्वर बहुत अच्छा रहे, निदान बंद के लोभ में ऐसी गति प्राप्त हो गई। यहाँ सर्प ने डसा है मतलब मेरी परिणति ने ही विकार को अंगीकार किया, ये उदाहरण है, अक्षरार्थ है। भावार्थ क्या है? मेरी भूल से मैंने पर को माना, एकत्रित किया पर के संग्रह में सुख माना, भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस्दिन मस्त रहा। भोगों को क्या माना? अमृत फल, जबकि भोग यानी क्या थे? विष सम विष फल थे। क्या कह रहे हैं? विषयों का रस विष का प्याला और हम उसे समझते अमृत का प्याला, इसलिए रचे कहाँ रहते हैं, लगे कहाँ रहते हैं, किसकी वृद्धि में अपनी वृद्धि मानते हैं। ये संसार बढ़ता है तो ऐसा लगता है मैं बड़ा हो गया, जबकि संसार की वृद्धि ये मनुष्य पर्याय की हार है प्रति समय। विचार करके देखो, धन आदि के संग्रह में कमाने में जो कीमती समय लगा है तो हमने समय का मूल्य अदा करके थोड़ी मूल्यवान कोई धन आदि को प्राप्त किया, पर कीमती वस्तु उसके बदले में क्या दे दी? धन की समय। अरे समय दे दिया, वह समय दे दिया जो किसी कीमत पे वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही ना, हाँ क्यों साहब, 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज महीने का मिल रहा हो, महीने का पैकेज नहीं महीने का पेमेंट मिल रहा हो, तो सामने वाले ने आपको 12 घंटे ड्यूटी पे लगाया तब वो राशि आपको दी गई, अतिरिक्त बोझ भी डाला गया, ये काम भी करना है आपको, ये कंपनी को भी देखना है आपको, ये भी करना है। हमको लगता है पद बढ़ता जा रहा, धन बढ़ता जा रहा, ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा कीमती समय जा रहा, आयु घटती जा रही है, ये नुकसान नहीं दिखता। हाँ हाँ, नित्य बढ़ती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, योगसार में योगिंदु देव ने कहा, नित्य बढ़ती आयु है पर पाप मति घटने नहीं, पाप की बुद्धि निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही। ये परिग्रह का जो रस है ना, परिग्रह का लोभ बहुत खतरनाक होता है। जगत इसे अपराध की दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन 5 पाप में सबसे बड़ा पाप परिग्रह ही, क्या 5 पाप में परिग्रह को सबसे बड़ा पाप का है। जगत में परिग्रह संपन्न व्यक्ति को बड़ा माना जाता है और मोक्ष मार्ग में निष्परिग्रही का पद सबसे बड़ा। देखो दिगंबर मुनिराज क्या पद है, ये चक्रवर्ती भी उनके चरणों में आकर के झुक रहे, बड़ा है कि नहीं है पद? तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, ज्ञान धान निज बल है ऐसे साधु सुगुरु कब मिले। ऐसे दिगंबर मुनिराज उनका पद बड़ा है जिनके पास तिल तुष मात्र भी बाह्य परिग्रह नहीं, बाह्य इसलिए नहीं क्योंकि अंतरंग भी नहीं, अंतरंग होता है तो ही बाह्य होता है। अंतरंग होता मतलब इन पदार्थों में सुख बुद्धि बैठी होगी तो इनका संग्रह होगा, इसकी रक्षा होगी, इसकी व्यवस्था होगी, तत्संबंधी विकल्प कार्य करेगा। देखिए कहते हैं, अभिमान रूपी अजगर के द्वारा ग्रस्तः, यानी अभिमान रूपी अजगर द्वारा निगला गया हूं। लोभ तो सर्प था और अभिमान अजगर है। बोलो सांप बड़ा होता है कि अजगर? अतुल भाई अभी मैं चूंकि आप लोगों के चित्र देख पा रहा हूं पर मूवमेंट्स नहीं मुझे दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आवाज भर अगर पहुंच रही हो तो अपन निश्चिंता से आगे चलते रहेंगे। दिनेश जी आवाज तो क्लियर आती है ना? हाँ बस ठीक है, आवाज आ रही है तो पर्याप्त है। सांप को कहा है लोभ और मान को कहा है अजगर। हाँ, मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में,
क्या कह रहे हैं, ये मान कषाय ऐसी खतरनाक है कि कहा गया यदि मान कषाय नहीं होती तो मोक्ष तो यही था। राजचंद जी साहब ने कहा मान कषाय ने इस जीव को निम्नता के स्तर पर पहुंचा दिया। मानकरण को कौन ठिकाना, दस लक्षण धर्म की पूजन में पंक्ति डाली, क्या ठिकाना है, स्तर क्या है मान करने का, उसे यही नहीं पता है छोटी छोटी वस्तु का मान करता है और अपने बहुमूल्य वैभव को खो देता है। दृष्टांत दिया था ना, जूते की चमक देखकर किसी ने कहा कि जूता तो बहुत बढ़िया चमक रहा है, बहुत जम रहा है, तो खुश कौन हो जाता है, जूता की जूता पहनने वाला। रतन जी प्रसन्नता किसको होती है, जूते को कि जूते पहनने वाले को? वो वैसी स्थिति है जैसे बंदर की परछाई भूमि पे पड़ रही है, वो परछाई पे चोट दी जाए तो बंदर को लगता है ये मेरी मेरे पे चोट पड़ गई, ऐसी अज्ञानता है। हाँ कपड़े तो बहुत जम रहे हैं, तो कपड़े जम रहे हैं ना, स्पष्ट शब्द तो कपड़े जमना कहा है, तुम कहाँ जम रहे, ऐसा कहाँ कहा गया। और मैं और थोड़ा आगे परिष्कृत करके इस वाक्य बोलूं, कोई ऐसा भी कहे तुम पे कपड़े तो बहुत अच्छे जम रहे हैं, अब जब ये बात कही गई तुम पे तो कपड़े अच्छे जम रहे हैं, अभी भी कहाँ कहा गया कि तुम जम रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता किसको हो जाती है, इसको हो जाती है, इसको कहे बहिरात्मा मूर्ख अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, वो प्रसन्न हो जाता है, मेरी तारीफ चल रही। तो ये अजगर जो है इसको अभिमान का, छोटे दादा ने उनकी पुस्तक है सर आप कुछ भी कहो के अंतर्गत है, जहां तक तिरिया चरित्र का जो प्रसंग है, तिरिया चरित्र उसके अंदर एक बहुत अच्छा कोटेशन डाला है, प्रशंसा मानव स्वभाव की एक ऐसी कमजोरी होती है जिससे बड़े बड़े सूरवीर नहीं बच पाते, निंदा की आंच जिन्हें पिघला नहीं सकती, प्रशंसा की ठंडक उनको छार छार कर देती है। क्या कह रहे हैं, जो निंदा में नहीं पिघलते वो प्रशंसा में बह जाते हैं। आप ये समझ लेना बहुत सावधानी से राजमार्ग में चलना है, मोक्ष मार्ग में, यहाँ प्रशंसा करने वाले ठगी हो सकते हैं आपके, जो आपको आपकी यथार्थता का निर्णय करा दे, निष्प्रयता से आपकी भूल आपको परिचय करा दे और आपके गुण आपको परिचय करा दे, वो आपके लिए हितकारी है, और जो आपके दोषों को तो ध्यान ना दे या दे करके भी उसके तो ढांके और गुण में छोटा गुण हो उसकी बहुत प्रशंसा करे, समझ लेना ठगे। क्या कह रहे हैं, ठगिया लोग खतरनाक होते हैं। देखो धर्म क्षेत्र में भी ठगों की कमी नहीं, उनको पता है कि ये व्यक्ति धनवान है, थोड़ा सा जल्दी प्रभावित होता है, प्रभावित होता है मतलब कि ये अगर प्रसन्न हो गया तो थोड़ा संस्थान के लिए, धर्म क्षेत्र के लिए, किसी काम के लिए इससे पैसा निकल जाएगा, तो उसके प्रति कैसा परिणाम आता है पता है, स्वाध्याय चल रहा हो और कोई सेठ जी आ जाए तो अपनी जिनवाणी उठा के उनको देने का परिणाम आ जाए, अरे आइए आइए, अरे आप पीछे नहीं बैठिए आगे बैठिए साहब आगे बैठिए। गजब की बात है, गुरुदेव श्री के अध्यात्म के मंच में इसको धूल कह करके पुद्गल में रखा गया था, इसीलिए जिनकी पुद्गल की व्यवस्थाएं प्रकृतियां व्यवहार बड़ा हो उनके प्रति बहुत महत्ता की बात नहीं चलती थी, छोटा विद्वान भी होता था तो उसको गुरुदेव श्री कहते थे पंडित जी, और सेठ बड़ा भी होता तो कहते थे ए सेठ, क्या कहते थे ए सेठ, ये कोई अपमानित करने की बात नहीं है, पर्याय दृष्टि छुड़ा करके तेरा स्वरूप का परिचय कराने के लिए ऐसी शब्दावली प्रयोग की, ऐसा नहीं कि कोई अपमान करना हो इसलिए भाषा प्रयोग की, अरे जो जीव को जीव मात्र देख रहा है अपमान कैसे करेगा, लेकिन जो पर्याय दृष्टि वाला है ये जीव ऐसा कार्य शोभा नहीं देता उसको। हाँ हाँ जिनवाणी का अनादर, जिनवाणी के सामने किसी का मान सम्मान कर देना, उनकी प्रशंसा सूचक वाक्य कहना, ये जिनवाणी का अनादर है, अभिनय है, अरे ये सर्वज्ञ की वाणी है, कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा से विभूषित है और इस पंचम काल में इससे बड़ा उपकारी कोई दूसरा नहीं है। कैसे बैठना कैसे उठना, मान कषाय चले शरीर में तकलीफ भी ना हो तो कुर्सी पे ही जाके बैठे सीधे, क्या कह रहे हैं, ऐसे ही होता कि नहीं होता है, गजब की बात है। पहले के लोगों को क्या शरीर में तकलीफ नहीं होती थी, पहले के मंदिरों में कहीं आपने कुर्सी लगी देखी है,
कहीं भी पुराने मंदिरों पंखे देखे लगे कहीं हाँ? नहीं देखे। कदाचित मंदिर की सजावट तो आपको बहुत सुंदर दिखेगी पर बनावट कुछ भी नहीं थी, वास्तविकता थी। सजावट तो मतलब ऐसा भले रत्नों से सजे स्वर्ण से सजे मंदिर मिल जाएंगे पर बनावटी बना कुछ नहीं होगा। अब सजावट में बहुत बनावट आ गई क्योंकि परिणामों में भी बनावट देखने को मिलती है। कैसे सजावट आ गई, ये मंदिर तो एकदम चकाचक होना चाहिए। भले उसको बढ़िया बनाने के चक्कर में कितनी हिंसा हुई हो, कितना मार्ग विरुद्ध कार्य किया गया, वो महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूँ मंदिर बनाने का अपने को परिणाम आए, ये बहुत पुण्य का उदय है, बहुत सौभाग्य कहना चाहिए, भाग्यशाली है जिनको ऐसा भाव ग्रस्त की भूमिका में आए। लेकिन मंदिर बनाने का मतलब सिर्फ पैसा दान दे देना नहीं होता है, आपने खड़े होके सामने से पानी छाना है कि नहीं मंदिर बनाने का। ये पवित्रता का स्थान है, इस पवित्रता के स्थान में ऐसी मान कषाएं नहीं चलना चाहिए। अरे साहब पैसा फेंको, सब काम होता है आज के समय में, ये भाषा योग्य नहीं। पैसे से आज तक कोई काम हुआ ही नहीं है, पैसे में वो सामर्थ्य ही नहीं कि वो काम करा दे। वास्तव में कार्य अपनी स्वयोग्यता से होता है पर मूर्ख अज्ञानी जीव को लगता है काम पैसे से होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, अभिमान रूपी अजगर द्वारा निगला गया हूं। उसने तो सिर्फ डसा था, किसने, लोभ ने, अजगर तो निगल ही गया। पर्याय दृष्टि में जीव की स्थिति ऐसी है कि स्वरूप को भूल करके बैठा पर्याय के रस में। मैं आपसे पूछता हूं आज, चूंकि नेटवर्क को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मन में आता है कुछ पूछूं लेकिन मैं वो आपके चित्र मुझे नहीं दिख पाते, कोई बात नहीं। हाँ लेकिन आप तक आवाज पहुंच रही है तो मैं आपके, मैं मोबाइल के माध्यम से भी मुझे एक दो लोग जो दिख रहे हैं मैं उनसे कह सकूंगा। हाँ बोलो साहब, हम पहले आज से 25-30 साल पहले अपने जीवन को देखें, जिस समय कदाचित हमारे धन आदि नहीं था, अभाव का जीवन था, उस समय हमें हीनता अनुभव होती थी, और आज थोड़ा पैसा आगे हो गया तो अब हमको प्रभुता अनुभव होने लगी है। बोलो मान कषाय कब थी, अभी है कि पहले थी? मेरी बात समझ में पड़ती है? पहले बहुत नहीं था तो अंदर में दबके बैठते थे कि भैया अपनी स्थिति सामान्य, अच्छा नहीं लगता समाज में ज्यादा बात करने का, जो धनवान है उन्हीं को बोलने दो, उन्हीं को आगे आने दो। उस समय जो हम हीनता के अनुभव के कारण से दबके बैठते थे वह मान कषाय थी, कि आज जो अकड़ के बैठते हैं वो मान कषाय है? ये पर्याय दृष्टि जब जब होती है वो मान कषाय ही है, दोनों अवस्थाएं मान कषाय की। हीन भी देखना मान कषाय है और अपने को पर्याय की तरफ से देख करके प्रभुतावान देखना यह भी मान कषाय है। हाँ देखो स्वाभिमान तो होना चाहिए, मान नहीं होना चाहिए। मान होता है पर का और स्वाभिमान होता है स्वा का। स्वाभिमान मतलब स्वा का बहुमान, स्वा का ज्ञान, और मान मतलब होता है जो मेरा नहीं है उसको अपना मान करके उससे अपना बड़प्पन की कल्पना करना। मान की स्थिति बहुत खतरनाक। हाँ झूठी प्रशंसा के लिए धर्म विरुद्ध प्रवर्तन करने में भी भय नहीं होता। झूठी प्रशंसा, लोग अच्छा कहेंगे, इस चक्कर में ये बात जानते हुए भी कि ये कार्य धर्म के अनुकूल नहीं है तब भी उसको करने में संकोच नहीं होता। लोगों को ऐसा लगता है हम अच्छे से शादी ब्याह में थोड़ा प्रदर्शन नहीं करेंगे, बढ़िया डेकोरेशन नहीं करेंगे, 50 तरह के व्यंजन नहीं बनाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, एक ही तो बेटा था और एक ही बेटे की शादी में भी देखो कितनी कंजूसी की, ढंग से खर्च भी नहीं किया, सामर्थ्य थी तो अच्छा खर्च करना था। ये सब सोच करके मार्ग विरुद्ध कार्य करने में भी भय उत्पन्न नहीं है, ऐसा ही है कि नहीं है? हाँ इसकी बात चल रही है, अपराध क्षमा स्तोत्र, अपने दोषों की और अपने विकल्पों की चर्चा हो रही है, जो मेरे परिणाम है उसकी बात कर रहे हैं। विचार करके देखना हर जगह, कहा ना मकान का इंटीरियर तो समझ में आता है कि अपने को अच्छा लगे इसलिए बनाता होगा,
होगा, कंफर्म नहीं है, हो सकता है उसमें भी यही चलता है, लोग आके देखेंगे तो कहेंगे अरे वाह इतना अच्छा मकान है, इस चक्कर में मकान का इंटीरियर अच्छा करता है, परंतु एक्सटीरियर किसके लिए करता मुझे बताओ। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, बाहर की सजावट, बाहर की दिखावट, वो किसके लिए करता? उसको ऐसा लगता है लोग देखें तो देखता रह जाएं, पूरे शहर में ऐसा मकान नहीं है किसी का। और जिसको पर को दिखाने का भाव होता है ना, उसको नजर लगने का डर भी बहुत होता है। क्या कह रहे जिनेश जी? जिसको दिखाने का भाव है उसको नजर लगने का डर भी बहुत है, तो मकान तो बनाएगा बहुत बड़ा और बहुत अच्छे से डेकोरेशन कराएगा, एक्सटीरियर भी कराएगा, डिजाइन भी बहुत अच्छी बनाएगा, और आखिरी में ले जाके एक फटा जूता अपने सर के छत पे टांग के जाएगा, नहीं तो एक मटकी उल्टी लटका देगा। ये क्यों? ये नजर ना लगे। अजगर ने ग्रस लिया है, दशा नहीं है, मान के अजगर ने ग्रस लिया है, बुद्धि मान लो चौराहे पे बेच के आ गया। अरे जब दिखाना नहीं था तो सजाया क्यों, और दिखाना था तो डरता क्यों? मैंने ऐसा भी सुना, बच्चों की मुंह दिखाई होती है, छोटे बच्चे होते हैं ना, भला हुआ अब सबरी माताएं बहने आई, अरे तुम्हारा बच्चा तो बहुत सुंदर है, बड़ा गोरा नारा है, ऐसा ऐसा। फिर वो जैसे ही उठ के गई तो दादी कहती है बच्चे की नजर उतार लो, बहुत सारी बोल बोल के गई है। अरे तो बुलाया तो तुम ही ने था। क्या कह रहे? बुलाया तो तुमने था। अच्छा, बच्चे का रंग अच्छा है, बच्चा सुंदर है और प्रसन्नता हो रही है जाने वाले को। ये जिनके शरीर में रिंकल आ गई, जिनका वर्ण खराब हो गया, बाल झड़ गए, वो खुश हो रहा है किस बात पे? मेरा बच्चा सुंदर, मेरा बच्चा सुंदर। अजगर ने डसके रखा है मान कषायगी। क्या कह रहे हैं? ऐसा ही है। देखो इसलिए क्या कहा, मैं अभिमान रूपी अजगर द्वारा निगला गया हूं, ऐसी स्थिति में हे प्रभु त्वाम कथम भजे, मैं आपकी भक्ति कैसे कर, किस प्रकार करूं? देखो मान होगा तो भगवान के प्रति भक्ति नहीं हो सकती। अरे भक्ति का भाव उनको आता है जिनके ज्ञान तो बहुत है लेकिन अज्ञानता का मान नहीं। चार ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा है, समोशरण में खरगोश की तरह दुबक के खड़े रहते हैं तीर्थंकर के सामने, बैठने की तो बात दूर, पलक तक नहीं झपकती। भक्ति है कि नहीं है? और स्वयं चार ज्ञान के धारी हैं, द्वादशांग के गूथने वाले हैं और उसी भाव से मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। इतनी योग्यता होने पर विनय गुण कितना होता है, कितना निराभिमानता का अंतर अभी परिणाम होता होगा, यानी हम कल्पना करके देखें। यहाँ तो थोड़ा बहुत छे उपशम हो जाए तो ऐसा लगने लगता है कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मेरा ज्ञान कुछ है। हाँ, जबकि ये ज्ञान तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पराधीनता है, एक समय में चलायमान हो जाए, आज जिस चीज का अभिमान करके बैठे हो कल को सुबह पहचान ना पाओ किसी। हाँ, मेडिकल साइंस की भाषा में जिसे आजकल एक बीमारी के रूप में कहा जाता है, कहते हैं सोडियम इम्बेलेंस्ड हो जाना। जानते हैं आप सोडियम इम्बेलेंस्ड किसको कहते हैं? अच्छा खासा आदमी जो कल शाम तक सब काम व्यवस्थित कर रहा था, सुबह पत्नी से कहता है बहन जी आप कौन हो, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। रतन जयंती लाल जी साहब क्या कह रहे हैं? सुना ऐसा दृश्य, ऐसी बात सुनी आपने? अपनी पत्नी को भूल जाए, अपने बच्चों को भूल जाए, अपने घर को भूल जाए, ऐसी स्थिति जीव की बन जाती है, किस चीज का मान करेगा? हे प्रभु मैं आपकी भक्ति कैसे करूं, ऐसा कह रहे हैं, किस रूप से भक्ति करूं, मेरी परिणति मलिन है। ये जो बात कही जा रही है, ये कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करूं, मतलब यदि भक्ति करना है तो स्वरूप को देख और पर्याय दृष्टि को छोड़, क्योंकि यदि इनको देखेगा, विकार को देखेगा, तो परिणति विकारी होगी, विकारी परिणति से भगवान की भक्ति कभी नहीं हो सकती। आपको पता है अन्य मत में सूर्य की पूजा कैसे करते? सूर्य सूरज को नमस्कार करते ना, सूर्य नमस्कार, सूरज की पूजा होती है। नमस्कार तो समझ लो वो एक विधि हो गई, लेकिन पूजा कैसे करते? दिए से की जाती पूजा। कैसे करते? दिए से। गंगा की पूजा कैसे होती? कि गंगा की पूजा गंगाई के जल से होती, वहीं पे लोटा भरे हो, वहीं पे अर्पण कर दिए। हाँ,
ऐसे वीतरागियों की पूजा कैसे होगी कि वीतरागता से ही होगी, राग द्वेष से नहीं हो सकती, कषाय से नहीं हो सकती। यद्यपि इस उदाहरण को सही नहीं मानना जो कहा गया है, वह प्रवृत्ति है, वह वृत्ति है, वह संसार में चलने वाली रीति है। हमने उस उदाहरण का प्रयोग वीतरागता के मार्ग को समझने को किया है, उसको सत्य कहा ऐसा नहीं समझना, नहीं तो अपन भी गंगा में पहुंचे और अंजलि भर के गिरा दी क्या मान करके। पंडित जी ने तो बताया था प्रवचन में कि गंगा की पूजा गंगा से होती है, ये उदाहरण था। क्या कह रहे हैं, गंगा की पूजा क्या है, गंगा क्या है? अभी एक आपका वो चल रहा है ना चैतन्य वाटिका का प्रश्नोत्तर मालिका चलती रहती है, तो माताएं बहने वो जो भरने वाले हैं उनके वह पोह बहुत होता है। उसमें एक प्रश्न चल रहा है, पाकिस्तान कौन सा तत्व है, सात तत्व में पाकिस्तान कौन सा तत्व, एक प्रश्न ऐसा आया। अब उसमें चल रहा है जबरदस्त ढंग से मंथन हो रहा है, सभी लोग तर्क वितर्क चला रहे हैं, कौन से में डालें इसको, अजीव में डालेंगे कि कौन से में डालेंगे कि पुद्गल में डाल दें काय में डालें, बताओ साहब है। ऐसे ही बात चल रही थी, मजाक थोड़ा सा कौतूहल बस, कि मुझसे भी पूछ लिए घर ही में, वो ऐसा प्रश्न सुना है इसका क्या उत्तर हो सकता है। मैंने कहा अराजक तत्व है। नहीं नहीं बोले सात तत्वों में से बता रहा है। क्या कह रहे हैं, सात तत्वों में से बता रहे हैं। जबकि विचार तो करके देखो कितना उहापोह है विषयों के प्रति, विकल्प के प्रति, इतना उहापोह, इतना चिंतन अपने प्रति हो जाए तो काम हो जाए, काम हो जाए। चलो ठीक है, धर्म दृष्टि से उपयोग बाहर नहीं जाता, उसके निमित्त से कम कुछ स्वाध्याय होता हो, पढ़ते हो, चिंतन करते हो तो अच्छी बात है। लेकिन यदि उसमें भी लोभ के सर्प ने डस रखा हो, किस बात को लेकर के, कि मेरा नंबर लग जाए, तो समझ लेना प्रयोजन से कोसों दूर थे। हाँ? एक बात तो है साहब, ये प्रश्नोत्तर भरो ना क्षयोपशम बहुत अच्छा हो जाता है। काय का कषाय का के कौन सा पोषण कर लिया, लोभ का, मान का, यश का, क्षयोपशम बहुत अच्छा होता है। हाँ? हमको तो ऐसा है जो रट लेते हैं ना एक बार तो एक एक ये लाइन याद रहती, इस पेज में इधर गाथा लिखी, ऐसा लिखी, ये लिखी, गजब की बात है। तुझे लाइन याद है, पंक्ति याद है, गाथा नंबर याद है, पर गाथा का जो वाच्य है वह वेदन में है कि नहीं है, के मूल को भूल के बैठा है। हाँ? कह रहे हैं मैं कैसे आपकी भक्ति करूं, मुझे तो कषायों ने ग्रसित करके रखा है। आगे कहेंगे, पहले तो इसका हिंदी पढ़ते हैं पहले, फिर देखिए भावार्थ में क्या लिखा। जला हुआ हूँ नाथ क्रोध की ज्वाल माल से, डसा गया हूँ विभो मान के काल व्याल से, माया के जंजाल फंसा हूँ अंतर्यामी, निगल गया है मुझे लोभ अजगर है स्वामी। कृष्णलाल वर्मा जी का प्रत्यानुवाद। जला हुआ हूं नाथ क्रोध की ज्वाल माल से, क्रोध को अग्नि की उपमा दी जाती है, जब क्रोध जलता है, क्रोध भड़कता है, अग्नि की तरह काम करता, नेत्र लाल हो जाते हैं, भ्रक्टियां तन जाती हैं। हाँ? क्या कह रहे हैं, भ्रक्टियां तन जाती हैं। आप विचार करके देखना ये सब बाहर में रूपक कैसे बनते हैं, लेकिन इस विषय में और स्पष्ट समझना। अभिप्राय जनित कषाय का संबंध बाह्य क्रियाओं से नहीं दिखता, हो सकता दिख भी जाए और हो सकता ना भी दिखे। जैसे ऐसा कहा गया है कि द्रव्यलिंग मुनिराज हों और उनके कोई ने शरीर को छील के नमक मिर्ची डाल दी तो भी उनकी पलक ना उठे सामने वाले के प्रति, ऐसा होने पर भी उनके अभी अनंतानुबंधी कषाय कही गई। कौन सी कषाय कही गई, किसी के ऊपर पलक उठा करके क्रोध नहीं करते दिख रहे, पर अभिप्राय जनित अभी अज्ञानता अंदर बैठी हुई है, अश्रद्धान बैठा हुआ है। किस बात को मालूम, क्या लोभ कषाय पड़ी रह जाती है, कौन सी कषाय करूंगा तो इससे मेरा बुरा होगा, इसलिए मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसको समता से अंगीकार करूंगा तो हो सकता है कि एक कषाय को जीतने से और इस परिणाम को जीतने से जो मंद कषाय होगी उसके फल में देवादि की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, ये अभिप्राय सच्चा नहीं है, मोक्ष मार्गी का अभिप्राय ऐसा नहीं होता। स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है और नरकों की भी परवाह
नहीं, बात ख्याल में था? जला हुआ हूं नात क्रोध की ज्वाल माल से, डसा गया हूं विभो मान के काल व्याल से, माया के जंजाल फंसा हूं अंतर्यामी। क्यों साहब, माया के जंजाल में माया नगरी वाले फंसे हैं कि जगत के सब जीव फंसे हैं? माया नगरी कहां पर है? हाँ? क्यों साहब, बंबई वाले कौन कौन है? नेटवर्क महेंद्र जी, हाँ दिखने लगे कुछ लोग बंबई वाले, अब थोड़ा सा हिलते डुलते दिख रहे हैं। भरत भाई दिखने लगे, हाँ मुझे बताओ। हाँ शकुंतला जी ने भी हाथ उठाया, हाँ हम भी मुंबई, हमारी मुंबई, हमची मुंबई, ऐसे कुछ कहते ना मराठी में, हमची मुंबई, ये मेरी मुंबई है। कैसी है मुंबई? ये माया नगरी कही जाती है मुंबई। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, माया नगरी बाहर है कि माया नगरी अंदर है? अरे अकेले मुंबई वालों को क्यों पकड़ते हो? ये छिंदवाड़ा किसका है? ये साहब आना आप हमारे छिंदवाड़ा। अजब की बात है कि तुम्हारे पिताजी ने क्या पूरे छिंदवाड़ा की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली थी क्या? आना साहब हमारे छिंदवाड़ा है, और गारंटी दो हम जब आएंगे तो आप रहोगे, चले तो नहीं जाओगे? कि नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन मेरी है, मेरी है, मेरी है। कुछ लोग ऐसी बात बताते ना, हम गांव में रहते थे पहले, बहुत सामान्य स्थिति थी, फिर ऐसा लगा कि देखो घर परिवार को अच्छा हाई स्टैंडर्ड लाइफ देना है तो महानगर में जाना पड़ेगा। महानगर गए साहब, और फिर उसके बाद हमने जम के मेहनत की, खूब परिश्रम किया, उस परिश्रम का ये फल हुआ, आज हमारे पास सब कुछ है। क्या आया? आज हमारे पास सब कुछ है। अब जब तेरे पास सब कुछ है तो तुझे धर्म की आवश्यकता क्या अतुल भाई? हैं? सब कुछ यदि है तो धर्म की जरूरत क्या है? अरे धर्म की जरूरत तो उसको होगी जिसे कुछ चाहिए होगा, कुछ भी क्या, सच्चा कुछ चाहिए होगा। तो सच्चा क्या, कि सच्चा सुख चाहिए होगा, उसके लिए धर्म चाहिए। अब चाहे तुम तो मुंबई में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे किसी गांव खेड़े में रहो, क्या सच्चा चाहिए है तो धर्म का अनुसरण करना पड़ेगा, और अच्छा चाहिए है तो कषाय अनुसार, विषय परिणाम अनुसार अच्छा तो मिल ही रहा है। हाँ? क्यों साहब, जयंती लाल जी साहब, व्यापार में प्रॉफिट अच्छा है कि नहीं? अच्छा प्रॉफिट होता है कि नहीं होता? मुझे नहीं मालूम आपकी नौकरी है कि आप व्यापार करते हैं, मैं तो एक आपसे पूछ रहा हूं, अनुभव की बात बताइए, प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कि साहब मिलता तो अच्छा था, अभी थोड़ा सा मार्केट बहुत डाउन है, नहीं तो अच्छा बिजनेस चल रहा था। अजब की बात है, तुझे अच्छे की तो चाह है पर सच्चे की लगन नहीं है, तो सच्चा प्राप्त कैसे होगा? अब किसी ने कह दिया, नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं है, हम तो किस अभिप्राय से कह रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो, किस नए की अपेक्षा से हमने बात कही? अच्छा, हाँ अच्छा तो आत्मा ही है, अच्छा तो धर्म चर्चा ही है, अच्छे तो देवशास्त्र गुरु हैं, हमने तो व्यवहार से कह दिया था कि धन वैभव अच्छा है। क्या कह रहे हैं? व्यवहार से कह दिया कि बहुत अच्छा भाई, धर्म समझ के यही समझ में आया कि धर्म की आड़ लेकर के, नयों की आड़ लेके माया का पोषण कैसे किया जाए, इसके लिए जिनवाणी नहीं थी, हमारे विषय कषाय के पक्ष पोषण के लिए जिनवाणी नहीं थी, अपितु वस्तु स्वरूप समझ करके निरपेक्ष आराधना के लिए मार्ग था। तो देखिए क्या कहते हैं, हे प्रभु मैं क्रोध रूपी अग्नि से जला हूं, भावार्थ, क्रोध रूपी महासर्प से डसा, लोभ रूपी महासर्प से डसा गया हूं, और अभिमान रूपी अजगर से निगला गया हूं, तथा माया रूपी जाल से बांधा गया हूं। एक एक चीज ध्यान से देखना, क्रोध रूपी अग्नि से जला हूं, अब जल जाने के बाद क्या बचा होगा? जल गई कोई वस्तु तो क्या बचा होगा? कि जो भी बचा होगा उसने, उसको किसने ग्रस लिया? कि लोभ ने उसको डस लिया। मतलब कहीं कोई जला हुआ व्यक्ति थोड़ी बहुत सांस बची हो तो कहते हैं कि उसको लोभ ने डस लिया, अब आसार और कम बचे इसके जिंदा रहने के। और कदाचित उसके बाद भी बच जाता तो किसने ग्रस लिया? कि अभिमान के अजगर ने निगल लिया, पूरा का पूरा अंदर रख लिया।
ये बात किसकी चल रही है? कहानी चल रही है कि वास्तविकता अपने परिणामों का मूल्यांकन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति हमारी है, हमारे जीवन में अपराध चलता है, इस अपराध का बोध कराने के लिए ये स्तोत्र काव्य चल रहा है। और माया रूपी जाल से मैं बांधा गया हूं, बंधन से छूटने की कभी विकल्प भी नहीं आता। बाबू युगल जी साहब ने बात कही, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, इसमें रिजुता कालेश नहीं, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, परिणति कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर कालुष धोती है। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, और परिणति क्रिया कुछ की कुछ होती है। क्या कह रहे हैं? धर्म सुनता है तो कहता है, बात तो यही सच्ची है, सुखी तो निर्गंतों का मार्ग है, हाँ? और उठता नहीं है, वो तुरंत मोबाइल उठा करके देखता है मार्केट का रेट क्या चल रहा है। और कुछ कुछ तो व्यसन में रत जीव ऐसे भी हैं कि वो मंदिर में स्वाध्याय में बैठे बैठे भी ये पता कर लेते हैं, हाँ? ऐसा हुआ एक बार, रजनी भाई के प्रवचन चल रहे थे, कुछ रसिया बच्चे होते हैं क्रिकेटर के, क्रिकेट के, वो क्रिकेट मैच चल रहा था, पर वो रजनी भाई का आदत है ना, फोन करके बुला लें घर से, घर में नहीं बैठने नहीं, फोन करके बुलाएंगे। आके तो बैठ गया, तो पीछे बैठ गया, उन्होंने बोले आगे आ जाओ, नहीं 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 साहब मैं यहीं ठीक है, यहीं ठीक है, यहीं ठीक, वहीं पीछे बैठ गया। हाँ, क्या कह रहे हैं? अब पीछे बैठा, यहाँ पे चर्चा चल रही है, और अचानक उन्होंने मान लो हाथ उठा के पूछ लिया, बताओ पाप कितने होते हैं, है? पाप कितने होते हैं? तो हाथ उठा के बोलता, छह। क्यों, पाठशाला नहीं पढ़े? नहीं नहीं नहीं, पढ़े पढ़े। तो छह कैसे बोल दिए? कि नहीं नहीं, वो साहब एकदम से क्या हुआ था कि अब क्या बताएं आपको क्या हुआ था, है? कि वो छक्का पड़ गया था ना एकदम से, तो उपयोग तो वहां चला गया था, तो हम भूल ही गए थे कि पाप पांच होते हैं। वो ऐसी ऐसी पद्धति उनकी, पकड़ते ना किसी को तो घेरने का जो उनका एक कला है, वो घेर रहे हैं, तो मैं इस हिसाब से कहता हूँ, हाँ अतुल भाई बता रहे हैं, फोन की रिंग बजे तो 100 रुपए का फाइन लेते हैं। क्या कह रहे हैं? 100 रुपए का फाइन। मेरे प्रवचन में वो घंटी नहीं बजना चाहिए मोबाइल की। क्या कह रहे हैं? तो आपको क्या लगता है, ये तो प्रयोग है उपयोग को चंचलता से बचाने के लिए, लेकिन जिसको छल कपट करना हो वो वहां पे भी छल कपट किए बिना नहीं रहता। ठीक है, ध्यान पूर्वक मोबाइल को तो साइलेंट कर लिया, परंतु वाइब्रेशन से उपयोग को तो जोड़ के रखा है कि नहीं रखा है, हा? बोलो, वहां कोई 100 रुपये का फाइन लेकर की कोई चंदा इकट्ठा करने की स्कीम थी क्या मंदिर के अंदर, कि जितों का बजेगा उनसे पैसा इकट्ठा होगा, तो आज के प्रवचन में देखेंगे कलेक्शन कितना निकला। ये कोई उद्देश्य था क्या? कि नहीं, तेरे जो उपयोग की चंचलता थी, उस उपयोग की चंचलता को बचा करके थोड़ा धर्म आराधना में उपयोग लगे, ये उद्देश्य था। लेकिन वहां भी छल कपट करे, मायाचारी करे, वास्तव में बंधा हुआ है माया के चक्र से, माया के जाल से। बोलो, घर ने हमको पकड़ के रखा है कि हमने घर को पकड़ के रखा, परिवार ने हमें पकड़ा है कि हमने परिवार को पकड़ा, दुकान हमको पकड़ के रखी है, रोक के रखी कि हम दुकान को रोकते हैं, हाँ? बोलो, दुकान खोलता और बंद कौन करता है? कि खोलता भी मैं ही हूं और बंद भी मैं ही करता हूं। आज तक दुकान ने हमको खोली है बंद की है? तो बोलो, ऐसा कैसे कहते हैं? मैं धंधा करता हूं, मैं व्यापार चलाता हूं। गजब की बात है, व्यापार तुझको चला रहा है, तू व्यापार को कहां चलाता? हाँ? आज तो बहुत सीजन टाइम है लोगों का, पता आपको? हाँ, आज तो गवर्नमेंट का रूल भी हो 9 बजे बंद करना है, तो ऐसा अंदर ही अंदर कोशेंगे। एक ही दिन तो रहता है मेन बिजनेस का आज का दिन, आज बहुत सामान बिकता है, गाड़ियां हैं तो ऐसा है, घोड़े हैं, गाड़ियां हैं, बर्तन है, पता नहीं क्या क्या चीजें, हाँ? बात ख्याल में आती? बहुत संसार की स्थिति को देखो,
और ये धर्म के मार्ग को समझो तो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा आपको। देखिए आगे के श्लोक की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले जो रामचरित उपाध्याय जी का हिंदी पद्यानुवाद है उसको पढ़ते हैं। पांचवें नंबर का पद है, क्रोधाग्नि से मैं रात दिन हा जल रहा हूँ हे प्रभु, मैं लोभ नापक सांप से काटा गया हूँ हे प्रभु, अभिमान के खल ग्राह से अज्ञान वश मैं ग्रस्त हूँ, किस भांति हो इस मृत आप माया जाल से मैं व्यस्त हूँ। समय तो मिले भगवान को स्मरण करने, क्या कर रहा है, स्मरण करने का समय नहीं है। कल कहा था ना, धर्म भी कब करना चाहता जब फुर्सत में। मान लो मैं आपसे एक बात कहूं, बिल्कुल अन्यथा नहीं लेना, मैं अचानक आपको फोन करूं कि भैया कल के आमंत्रण करता, मैं आपको परिवार सहित बैठना, पंडित जी क्या बताएं कल तो समय नहीं है, एक काम करो रविवार का दिन दे दो आप, रविवार का दिन दे दो, रविवार में एकदम निश्चिंत रहते हैं, मतलब फुर्सत के दिन हम उपयोग को लगा सकते हैं, नहीं तो हमारे को उपयोग को धर्म में लगाने की फुर्सत नहीं। विचार तो करो, सदा सुखदास जी के देखो, हैं आजीविका की प्रसन्नता, कार्य की प्रसन्नता से सेठ या राजा ने कहा कि हम आपका वेतन दुगना कर देते हैं, तो कहते वेतन दुगना नहीं करो, आप प्रसन्न ही हो तो मेरे काम के समय कम कर दो, जिससे मैं और स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगा सकूं। क्या कह रहे हैं, ये परिणति कैसी है बताओ, बात ख्याल में आ रही है, विचार करके देखना। अपराध क्षमा स्तोत्र पढ़ रहे हैं, ये तो ये जितनी चर्चाएं कह रहे हैं ये तो किसी जीव विशेष के परिणाम की चर्चा है, हमको इस तराजू पे अपने परिणामों को रखना है, मेरे परिणाम कैसे चल रहे हैं, मेरे ये जो भाव होते हैं टोडरमल जी की शब्दों में कहें तो इन भावों का क्या फल होगा, हाँ मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र क्यों बन रहा है, मेरे ये जो भाव होते हैं तो इन भावों का क्या फल होगा, इत्यादि विचार करके तत्व अभ्यास में उपयोग को लगाता है। कहाँ लगाता है, तत्व अभ्यास में। ये सारी चर्चा जो है अपने परिणामों की संभाल की दृष्टिकोण से अपन ये चर्चा कर रहे हैं। आइए जैसा मैंने आपसे कहा था इसको अभी यहीं विराम लेंगे, छठवां पद कल से प्रारंभ करेंगे आगे का। अभी चूंकि आलोचना पाठ जो है, चूंकि समय भी अब अधिक नहीं है तो कुछ 5-7 मिनट लगेगा हमें उस आलोचना पाठ सामायिक पाठ का वांचन करने के लिए। अभी हम जो सामायिक पाठ यहाँ पढ़ रहे हैं ये आदरणीय पंडित श्री अपने आत्मन जी रविंद्र जी साहब आत्मन, उनके द्वारा जो विरचित बहुत सुंदर कृति है उसमें से ये हम पढ़ रहे हैं। सामायिक पाठ के नाम से पर इसमें आलोचना की भी चर्चा आई है, इसलिए इसका अपन अभी यहाँ वांचन करेंगे। अध्यात्म पूजांजलि पुस्तक जो आप पूजन में प्रयोग करते हैं, जिसमें पंडित जी की रचनाएं हैं, उसमें मेरे पास जो पुस्तक है उसमें 276 नंबर 276 नंबर के पेज पर सामायिक पाठ नंबर 3 ये है। आइए इसका पाठ करेंगे, बहुत बड़ा भी नहीं है, मात्र 20-25 पद्य हैं और 2-2 पंक्ति के हैं, तो अभी ये शीघ्रता से इसका भाव समझते हुए पूर्ण होगा। पंच परम गुरु को प्रणमी सरस्वती उर्धार, करूं कर्म छेदं करी सामायिक सुख का, सामायिक सुख का। आत्मा ही समय कहावे, शास्त्र में समता आवे, वही ही सच्ची समायिक, पाई नहीं मुक्ति विधायक। उसके कारण मैं विचारूं, उन सब को अब परिहारूं, तन में मैं हूं मैं विचारी, एकत्व बुद्धियों धारी। दुखदाई कर्म जो माने,
रागादि रूप निज जाने आश्रव रुबंध ही कीनो नित पुण्य पाप में भीनो पापों में सुख निहारा पुण्य करते मोक्ष विचारा इन सब से भिन्न स्वभावा दृष्टि में कबहू न आवा मद मस्त भयो पर ही मैं नित भ्रमण कियो भव भव में मन वचन योग रुतन से प्रतिकारित अनुमोदन से विषयों में ही लिपटाया निज सच्चा सुख नहीं पाया निशाचर हो अभक्ष दिखाया अन्याय किया मन भाया लोभी लक्ष्मी का होकर हित अहित विवेक में खोकर निज पर विराधना कीनी किंचित करुणा नहीं लीनी सठकाए जीव संहारे उर में आनंद विचारे जो अर्थ वाक्य पद बोले वे त्रुटि प्रमाद विस घोले किंचित व्रत संयम धारा अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचारा उनमें अनाचार भी कीने बहु बांधे कर्म नवीने प्रतिकूल मार्ग यो लीना निज पर का अहित ही कीना प्रभु शुभ अवसर अब आयो पावन जिन शासन पायो लब्धि त्रय मैंने पाई अनुभव की लगन लगाई अतएव प्रभु मैं चाहूं सबके प्रति समता लाऊं नहीं इष्ट अनिष्ट विचारू निज सुख स्वरूप संभारू दुखमय है सभी कसाए इनमें नहीं परणति जाए वेश्यासम लक्ष्मी चंचल नहीं पकड़ो इस कांचल निर्गंत मार्ग सुखकारी भाऊ नित ही अभिकारी निज रूप दिखावन हारी तब परिणति जो सुखकारी उसको ही नित्य निहारू यावत न विकल्प निवारू तुम त्याग अठारह दोषा निज रूप धरो निर्दोषा वितराग भाव तुम भीने निज अनंत चतुष्टय लीने तुम शुद्ध बुद्ध अन पाया तुम मुक्ति मार्ग बतलाया अतएव मैं दास तुम्हारा तिष्ठो मम हृदय मंझारा तब अवलंबन से स्वामी शिव पथ पाऊं जगनामी निर्द्वंद निशल रहाऊं श्रेणी चढ़ कर्म न साऊं जिनने मम रूप न जाना वे शत्रु न मित्र समाना जो जाने मुझे आत्म रे वे ज्ञानी पूज्य है मेरे जो सिद्धात्मा सो मैं हूँ नहीं बाल युवा नर मैं हूँ सब में न्यारा मम रूप निर्मल सुख ज्ञान स्वरूप जो वियोग संयोग दिखाता वह कर्म जनित है भ्राता नहीं मुझको सुख दुख दाता
निज का मैं स्वयं विधाता। आसन संग संगति साला, पूजन भक्ति गुणमाला, इनते समाधि नहीं होवे, निज में थिरता दुख खोवे। घिन गेह देह जड़ रूपा, पोसत नहीं सुख स्वरूपा, जब इससे मोह हटावे, तब ही निज रूप दिखावे। वनता बेड़ी ग्रह कारा, शोषक परिवार है सारा, शुभ जनित भोग जो पाई, वे भी आकुलता दाई। सब विधि संसार असारा, बस निज स्वभाव ही सारा, निज में ही तृप्त रहूं मैं, निज में संतुष्ट रहूं मैं। निज में ही तृप्त रहूं मैं, निज में संतुष्ट रहूं मैं। निज स्वभाव का लक्ष्य ले, मेटू सकल विकल, सुख अतिंद्रिय अनुभव यही भावना अल्प। इस तरह से अभी हमने समाधि भावना पाठ का यहाँ वांचन किया। यद्यपि हमने सुबह मैंने कहा था आलोचना पाठ पढ़ेंगे, लेकिन ये जो सामायिक पाठ है, ये आलोचना पाठ इसमें गर्भित था। अपने जीवन में होने वाले दोष और जो त्रुटियां हैं, उन सब की चर्चा सामायिक पाठ में की गई। क्योंकि आपको यदि स्मरण हो, जब हम अष्टमी चतुर्दशी के दिवस पर विगत समय में हमने सामायिक की थी, उसमें आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और समाधि भावना, ये सब समग्र रूप से स्मरण किया जाता है। उसका एक बहुत सुंदर सुमेल पंडित जी साहब ने एक ही कृति के अंदर में रखा था, और इस माध्यम से हमने आज आलोचना पाठ पढ़ते हुए अपनी भूल का अन्वेषण किया। वास्तव में इन्हीं समझना चाहिए कि जगत जिस मिथ्यात्व के कारण ऐसे कार्य को कर रहा है जिसका दिवस आज है, ये भूल हमने यानी मेरे जीव ने भी पूर्व भवों में पहले भी अज्ञानता से ऐसी भूल की। अरे पूर्व भव की क्या बात कहें, तत्व ज्ञान नहीं था तो जब तक ये बात समझ में नहीं आई थी, तब ऐसे कार्यों को करके हम भी धर्म मानते थे, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं, अरे तत्व नहीं समझ में आता तो लोग ऐसे त्योहार प्रसंगों में बाहर जा जाकर रासलीला करें, नृत्य करें, उन कार्यक्रमों की बधाई दें और उस बधाई के नाम पे मिथ्यात्व का पोषण करें, अनंत संसार का बंद करें। ऐसी भूल मुझसे हुई, इस भूल की क्षमा भाव रखते हुए सामायिक पाठ और आलोचना अभी हम सभी ने यहाँ की। आइए, चूंकि नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मतलब यहाँ से डिस्टर्ब है निश्चित ही, आप लोगों तक तो स्पष्टता होनी चाहिए, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। पहले हम भाव प्रतिक्रमण पाठ एक बार यहाँ पढ़ेंगे, जो हमारा दैनिक क्रम में होता है, उसके उपरांत प्रयास करते हैं। आज जो बहन है हमारे ग्वालियर से, जिनको जिनवाणी स्तुति लेना है, जी हाँ, वो जुड़े तो हुए हैं, लेकिन उनका मैं देखता हूँ, मैं उनका अगर नेटवर्क को अनम्यूट कर पाया तो फिर उनके द्वारा जिनवाणी स्तुति होगी। पहले हम सभी यहाँ पर भाव प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरिहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्राश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
आइए हम प्रयास करते हैं। हाँ जी, शिल्पा जी जो कि ग्वालियर से जुड़ी हुई हैं, उनके द्वारा जिनवाणी स्तुति पाठ होना है। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा दिख रहे हैं अब आप लोग, दिख भी रहे हैं और आवाज भी है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सच्ची है, मार्ग बताती है हो माँ, हो माँ, हो माँ जिनवाणी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सच्ची है, मार्ग बताती है हो माँ, हो माँ, हो माँ जिनवाणी माँ। ज्ञानी चलते हैं राह तुम्हारी, ज्ञानी चलते हैं राह तुम्हारी, भेद ज्ञान कर लेते हैं, भेद ज्ञान कर लेते हैं, और पा जाते जज्ब धामी तुमको पढ़ने से, और तुमको सुनने से भव कट जाते हैं हो माँ, हो माँ, हो माँ जिनवाणी माँ। हित उपदेश को तुमने बताया, हित उपदेश को तुमने बताया, समझ आत्मा के स्वरूप को, समझ आत्मा के स्वरूप को, यदि मुक्ति है पाना ऐसी हितकारी और उपकारी माँ, माँ जिनवाणी है हो माँ, जिनवाणी माँ, हो माँ जिनवाणी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सच्ची है, आप दिखाती है हो माँ जिनवाणी माँ। ज्ञायक ज्ञायक तुमने बताया, ज्ञायक ज्ञायक तुमने बताया, पर तेरे से भिन्न भिन्न है, पर तेरे से भिन्न भिन्न है, ऐसा ज्ञान कराया, ऐसा ज्ञान कराया, ऐसा बतलाती, ऐसा सिखलाती, भेद कराती है हो माँ, हो माँ, हो माँ जिनवाणी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सच्ची है, मार्ग दिखाती है ओ माँ जिनवाणी माँ, ओ माँ जिनवाणी माँ। बोली द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। निश्चित ही बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति, और हमारे बहन जो शिल्पा जी हैं ग्वालियर, हाँ कुछ बच्ची बोलने वाली थी पर शायद मैंने म्यूट कर दिया था। हाँ बोलिए बेटा, एक मिनट अनम्यूट कर देते हैं वापस। मैम मुझे सर, मुझे सर ने बोलो क्या बोल रहे थे आप, बोलो। अगर हम क्रोध करते हैं तो हम नरकति क्यों जाते हैं? अच्छा, तो ये मम्मी जी से पूछ रहे हो कि मुझसे पूछ रहे हो? मैं बता दूं, हाँ मैं बता दूं, आपसे पूछ रहे हैं क्रोध करते हैं तो नरक गति क्यों जाते। देखो
ये बात इतनी आसानी से समझना है हमको कि अच्छे काम करने से कहाँ जाते हैं, अच्छी जगह। और जिस काम के लिए मम्मी भी डांटती हैं, पापा भी बोलते हैं, टीचर भी डांटती है, गुस्सा नहीं किया करो, गुस्सा नहीं किया करो। तो देखो तुरंत का तो गुस्सा करोगे तो मम्मी ये करेंगी, अगर ज्यादा गुस्सा करोगे तो कमरे में बंद कर देंगे, ऐसा बोल देंगे, खाने नहीं देंगे या आपको पिटाई पड़ेगी, इतना ही कहा जाता ना। लेकिन हमने जो उस समय में क्रोध करके परिणाम बिगाड़े, मन को खराब किया, उसके कारण से जो फल बंद होता है वह ऐसी जगह का होता है जहां पर सब लड़ने झगड़ने वाले ही लोग रहते हैं। क्या कह रहे हैं? तो जिनको ऐसी जगह पे नहीं जाना हो उनको क्रोध नहीं करना चाहिए, बड़े जनों की आज्ञा मानना चाहिए, जैसा वो अपने हित के लिए कहते हैं वह बात माननी चाहिए, उनका विनय करना चाहिए, और अपने मन की कोई बात भी हो तो प्रेम से कह करके मनवा भी लेना चाहिए, लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से नरक आदि गति का बंद। हाँ बोलिए। अच्छा तो कल सुनेंगे अब अपन, क्योंकि आज तो अपन ने भक्ति सुन ली ना, अब आप पर दिखते रहा करो तो हम आपके माध्यम से सुनें। कल आप भाव प्रतिक्रमण पढ़ लेना, है ना, और मैं हम सब लोग आपके साथ पढ़ेंगे, कल आप पढ़ना भाव प्रतिक्रमण, ठीक है। आज का तो अपन ने एक बार पढ़ लिया, अभी अपन कल पढ़ेंगे, अभी तीर्थ यात्रा की जानकारी दे करके और हम काय उत्सर्ग करेंगे। आइए कल प्रातः काल हम सभी अपनी मंगलमय तीर्थ यात्रा के क्रम में, जो कि 168वीं तीर्थ यात्रा हमारी आगे की ओर बढ़ रही है, हम सभी पहुंच रहे हैं उसी उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के अंतर्गत पड़ने वाले एक क्षेत्र है, करगोवाजी क्षेत्र है, जहां पर लगभग इस क्षेत्र पर तो जो लोग सोना के राधी गए होंगे वह इस क्षेत्र की वंदना हो सकता है बहुत से लोगों ने की होगी करगोवाजी की, लेकिन फिर भी हम सभी कल, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी आज हम गए थे टोडी जी फतेहपुर करके जगह, उसके ही लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में ही ये क्षेत्र है करगुवा जी। यहाँ पर भी लगभग 700 वर्ष प्राचीन मंदिर भी है और जो प्रतिमाएं हैं वह भूगर्भवादी से प्राप्त हुई थी, और जैसा कि आप सभी ने देखा था बुंदेलखंड में भौरे के मंदिर होते हैं, यानी भूमिगत मंदिर आदि होते हैं, ऐसे ही जिन मंदिर यहाँ पर है, और क्षेत्र बहुत ही सुंदर है, यद्यपि यहाँ समाज का निवास भी है और आवागमन भी रहता है, इसलिए साल भर यहाँ पर गतिविधियां चलती रहती हैं। ऐसा बहुत ही सुंदर क्षेत्र करगोवाजी क्षेत्र के कल प्रातः काल दर्शन और पूजन करेंगे, और हम सभी वही अपने 7:25 का अपना समय तीर्थ यात्रा का प्रातःकालीन दर्शन और पूजन का रहेगा। आइए अभी सुंदर जिनवाणी स्तुति और बहुत ही सुंदर भक्ति जो उन्होंने ली थी हमारी बहन ने और उनकी बेटी ने, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है हे माँ। वास्तव में माँ शब्द जो होता है ना, इसका वाचार्थ ही बहुत भावपूर्ण होता है, लेकिन अभी तो हम स्मरण कर रहे हैं माँ जिनवाणी को, जगत की माँ सुलाती है और माँ जिनवाणी नींद से जगाती है, जाग जाग हे ज्योति पुंज अवसर बीता जाता है, जो क्षण गया गया सदैव को नया नया आता है, बिजली की क्षण भंगुर आभा कहती देखो आओ, तेरे मेरे जीवन में है कितना भेद बताओ। ऐसे जगाने वाली माँ जिनवाणी को हम सभी मंगल स्तवन करते हैं और भक्ति पूर्वक अपनी भावनाएं रखते हुए काय उत्सर्ग करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम। जवली द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो, देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, वीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से हम सभी इस
इस मंगलमय जिनवाणी का श्रवण पठन चिंतन मनन करते हुए और देवशास्त्र गुरु के द्वारा प्राप्त इस सुगम मोक्ष के मार्ग में आत्मकल्याण की भावना से बढ़ते रहें और तब तक बढ़ें जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। निश्चित ही स्वाध्याय के प्रति जिनका परिणाम जागृत होता है वह अल्प काल में संसार समुद्र से पार होते हैं। हम सभी वैसा ही पुरुषार्थ प्रकट करें इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी जीवों को जय।